दोस्तों, आजकल हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद का जो एक एहसास है, वो हम उन नेचुरल फोर्सेस को दे रहे हैं जो हमारी लाइफ में अननोइंगली वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, और इन्हीं नेचुरल फोर्सेस के कारण हम जिंदा हैं इस धरा पे, इस पृथ्वी पे, और हमारी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो पांच तत्व हैं, जो फाइव नेचुरल फोर्सेस इन्हीं के कारण है। तो आज हम जिस नेचुरल फोर्सेस की बात कर रहे हैं वो है एयर। दोस्तों, वायु तत्व जो है, इसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए, इसकी उपलब्धता बिल्कुल प्लेंटी में है, हमारे चारों तरफ हवा ही हवा है, और ये हवा हम दिन रात 24 घंटे जब तक हम इस धरा पे जिंदा रहते हैं ये हवा हम लेते रहते हैं, और ये सांस लेना ही ये तय करता है कि हम जिंदा हैं, और जिस दिन सांस बंद होती है उस दिन आप भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो प्राण ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है, ये जो हवा हमारे अंदर बह रही है, यही हमारी इस धरा पे एग्जिस्टेंस का कारण है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमको एक दो मिनट भी सांस ना मिले तो हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जिसका हमें एहसास नहीं है, और 99% लोग जो है वो प्रॉपरली जानते नहीं है कि सांस कैसे ली जाती है। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो इसके माध्यम से हमें प्राण मुद्रा, प्राण शक्ति मिलती है, और ये जो जितने भी हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं, थोड़ा इसको प्यार से भर के सांस लीजिए, खूब सारा सांस भरिए अपने अंदर चेस्ट में, चेस्ट को भी पूरा यूज़ करिए, और ये एनर्जी जब हमारे ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भरती है तो हमारा जो ब्लड है वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेट हो जाता है, यही ऑक्सीजनेट ब्लड न्यूट्रिशन के साथ हमारे सेल्स में पहुंचता है, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोड्यूस होते हैं, और जो हमारे सेल्स जो कि हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी से हमारा टिश्यूज़ बनते हैं, इसी से हमारी बॉडी बनती है, इससे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, और हमारा सिस्टम पूरा होम्योस्टेटिक स्टेट में रहता है, हेल्थ स्टेट में रहता है। तो दोस्तों, ये हवा जो है ये हमारे शरीर को प्राण शक्ति देता है। आप सब लोग अपने योगा शास्त्र में पढ़ा होगा कि हमारे पांच तरह के प्राण हैं, जो पूरी जो एक्टिविटी है हमारी बॉडी की, चाहे वो डाइजेशन, चाहे वो एक्सक्रीशन है, चाहे हमारा बहुत सारे फंक्शन है, चाहे आई जो हम इसको झपकाते हैं, आंसू निकलना आंसू में, और दिमाग में थाट्स का बहना, और पूरे शरीर के एक एक सेल में इस चीज़ का पहुंचना प्राण शक्ति का, और अंदर से बाहर की तरफ प्राण का बहना, बाहर से अंदर की तरफ प्राण का बहना, सेंटर ऑफ द बॉडी टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का सांस में बहना, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पूरे शरीर में प्राणों का ही खेल है। लेकिन हमें क्या एहसास है कि हम सांस ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हम बस अननोइंगली हम सांस ले रहे हैं, और कभी भी हम इसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो दोस्तों, कभी जब सांस लेते लेते कभी आपको ध्यान आए तो रुकिए और धन्यवाद दीजिए इसको, धन्यवाद 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 इस वायु को, धन्यवाद इस प्राण शक्ति को, धन्यवाद दीजिए उन पांचों प्राणों को जो हमारे अंदर फ्लो होते हैं, जहाँ इससे ज़्यादा भी जो प्राण है, धन्यवाद दीजिए जो सारा काम ये हमारे शरीर के अंदर करता है, धन्यवाद दीजिए इस प्राण को जो हमारे हमारे इस प्राणों के माध्यम से हम शरीर में को स्वस्थता का एक हेल्दी स्टेट का अनुभव करते हैं, धन्यवाद दीजिए इसको कि इसी के कारण हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस लाइफ में, और वो सारे काम इस पृथ्वी की धरा पे कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम एंजॉय करते हैं, वी फील हेल्दी, वी फील हैप्पी, वी फील कनेक्टेड, वी फील लव्ड, ये दिस इज बिकॉज ऑफ प्राण शक्ति वी हैव, और जो भी प्रोग्रेस हम लाइफ में करते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इज एयर, एयर द फोर्स एनर्जी कॉल्ड एयर। सो धन्यवाद दीजिए इसको, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, इसके प्रति हमेशा शुक्राना
शुक्रिया अदा करिए। बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू दिस एयर एलिमेंट। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। लोगों को इसको प्रेषित करिए, लोगों को इसको फॉरवर्ड करिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो धन्यवाद। एंड इफ़ यू वॉन्ट सम वीडियोज़ टू बी मेड फॉर यू, प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल मेक इट फॉर यू, लेट बी रेस्ट अश्योर्ड। थैंक यू सो मच।